सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर अंडे अंडे ले रही हूँ मैं चार चार अंडे हम लोग सेपरेटली तोड़ तोड़ के इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट कर देंगे सेपरेटली अंडे तोड़ के ऐड करना इज़ बेस्ट क्योंकि अगर कोई भी अंडा ख़राब निकल आए तो वो बाकी अंडे फिर हमारे वेस्ट नहीं होते ये ऐड करेंगे चार अंडे और फिर इसको अच्छी तरह से हम लोग बीट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ बीटर आप चाहें तो बीटे की जगह पर विस्क भी यूज़ कर सकती हैं लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है तो इसलिए मैं यहाँ पे बीटे यूज़ कर रही हूँ इतना बीट करेंगे अंडों को कि अंडे फ्लफी हो जाएं जब अंडे फ्लफी हो जाएंगे तो इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे शुगर मैं पाउडर्ड शुगर ले रही हूँ ताकि ये जल्दी से मिक्स हो जाती है और चीनी नीचे नहीं बैठती मैंने लिया है थ्री फोर्थ कप अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप एक कप भी यूज़ कर सकती है अदरवाइज़ थ्री फोर्थ कप इज़ इनफ इसको अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर बीट कर लेंगे इसके बाद ऐड करना है यहाँ पे ऑयल ऑयल ऐड करती हूँ मैं यहाँ पे थ्री फोर्थ कप ठीक है थ्री फोर्थ कप ऑयल ऐड करें इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बीट करेंगे और ग्रेजुअली इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे एकदम से मैं ऑयल ऐड नहीं करती मैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ वो ग्रेजुअली ही ऐड करती हूँ ठीक है थोड़ा सा बीट करें फिर इसके अंदर ऑयल ऐड कर दें फिर थोड़ा सा बीट करें फिर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें अच्छी तरह से ये वेल कम्बाइन हो जाता है जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा सारा ऑयल इसके अंदर अच्छी तरह से बीट हो जाए तो फिर आप लोग इसके अंदर ऐड कर दें अपना नेक्स्ट इंग्रीडी

जो है एक्सटेंशन का काम जो है वो हमारे पास ख़त्म हो गया है अगर आप विस्क यूज़ हैं तो फिर मेक श्योर sure कि आप विस्क भी साइड पे कर दें ज़्यादा इसको बीट नहीं करना यहाँ पे लिया मैंने एक कप मैदा जिसको मैंने सेफ्ट करना है और इसके अंदर ऐड करी वन टी स्पून ऑफ़ बेकिंग पाउडर एंड हाफ़ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा यह ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से सेफ्ट कर लेंगे ताकि सिफ्टिंग ज़रूरी है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं जाएँगे क्योंकि सोडा जो बेकिंग सोडा ऐड करते हैं उसके अंदर लम्स होते हैं टाइम्स ऐसा हो जाता है कि ऑल पर्पज फ्लावर के अंदर भी होते हैं तो मेक श्योर sure कि आप इसको अच्छी तरह से सिफ्ट ज़रूर कर लें एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करते जाएंगे आराम से ताकि साइड पर अगर जितना भी मैदा लगा हुआ है वो भी उतर जाए आराम आराम से हल्के हाथ से आप इसको फोल्ड करना स्टार्ट कर दें आप एक स्पैचुला लें और उसके साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें वस्क या बीटर ऐड नहीं करें उसके साथ काम नहीं करें ऐड कर करनी हूँ मैं वन टीस्पून के जितना इसके अंदर वनीला एसेंस ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे कि जितना भी मैदा है वो सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और लम्स जो हैं वो ना बनेंगे अगर बन गए हैं तो उसको ख़त्म कर लें इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने मिक्स करना है बहुत आराम से बेसिकली हमने इसको फ़ोल्ड करना है मिक्सचर रेडी होने के बाद इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी लोफ पैन में आज मेरे पास बेकिंग पेपर नहीं था तो मैंने इसको ऑयल और मैदे के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था केक uh, जो है वो मैंने प्लेन रखा है इसके अंदर मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए ये प्लेन केक है आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें लाइक आमंडस वॉलन्स पिस्ताशू या किशमिश वगैरह इवन आप चॉकलेट चिप्स भी इसके अंदर ऐड कर सकती हैं मैं ऊपर से थोड़े से कह रही हूँ टॉप पर ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ी सी इसकी लुक प्यारी आए आप लोग चाहें तो इसके अंदर भी चॉकलेट चिप्स ऐड कर सकती हैं इसको बेक कर लेंगे फॉर अबाउट फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स ऑन वन एटी डिग्रीज यहाँ पर हमारा केक जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है इसको मैं फाइव मिनट्स और दूंगी ऑलमोस्ट 47 सेवन टू फोर्टी मिनट्स तक केक बेक हो गया था फिर मैंने इसको ओवन से निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था पंखे के नीचे ताकि ये एक घंटे तक ठंडा हो जाए कम्पलीटली क्योंकि मैंने इसमें पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर नहीं लगाया हुआ था सो दैट्स वाई अगर आपने नहीं लगाया हुआ तो मेक श्योर sure कि आप इसको एक घंटे तक प्रॉपर्ली ठंडा करें ताकि आपका केक जो है वो ईज़िली जो है वो आप उसको डिश आउट कर सकें अदरवाइज अगर आप गर्म गर्म केक को निकालने की कोशिश करेंगी तो फिर वो टूट भी सकता है अगर आपने बेकिंग पेपर नहीं लगाया हुआ बेकिंग पेपर के साथ तो ईजिली बाहर आ जाता है केक लेकिन अगर नहीं लगाया हुआ तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है तो मेक श्योर कि आप केक ओवन से निकालने के बाद उसको एक घंटे तक ठंडा करें फिर उसको डिश आउट करें तो आपका केक कभी भी नहीं टूटेगा यहाँ पर जो है इसके पीसेस कर लेने आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकती हैं मैं मीडियम या नॉर्मल साइज़ के पीसेज यहाँ पर कट कर रही हूँ ये थी आज की सिंपल और ईजीएसट टी केक या प्लेन केक की रेसिपी आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं सिंपल केक प्लेन केक या टी केक आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो थैंक यू सो मच टेक केयर एंड अलाफिस